हम डॉक्टर श्वेता और ये यूपीएचसी का क्वेश्चन का सॉल्यूशन है 51 से 60। तो स्टार्ट करते हैं। 51 क्वेश्चन है। द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ गैस विद इंटरनल एनर्जी यू इज पीवी 1/3 U। द इक्वेशन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस विल बी, तो डायरेक्ट इसके आंसर पे आते हैं। इसका आंसर है पीवी गामा होता है 4/3 कॉन्स्टेंट इस केस के लिए, जब ये 1/3 होता है। 52 क्वेश्चन। द हाई इनपुट इम्पिडेंस ऑफ आईसी ओप एम्प इज अचीव्ड बाय फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर स्टेजेस, डेल्यूट्रॉन कनेक्शन और यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो इसका जो यूपीएचएससी में सॉल्यूशन आंसर दिया है वो सी ऑप्शन दिया है, बट फैट भी इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, तो इस पे हम चैलेंज कर सकते हैं और करेंगे भी। क्वेश्चन नंबर 53। वॉट आर द कर्व ऑफ वाई इक्वल टू ए टू पावर एक्स इज फिटेड टू वन फॉलोइंग इन डाटा। तो एक एक्स वाई की इक्वेशन दे रखी है और कहा है कि इनमें से इस डाटा पे कौन सी इक्वेशन फिट बैठेगी। तो सॉल्व करने से बेटर है रिवर्स इंजीनियरिंग करिए। यहाँ पे एक्स आप है 2, है ना, सबसे पहला स्टेप। तो एक्स की वैल्यू पुट करके देख लीजिए सब में। तो आप अगर देखेंगे जो हमारा थर्ड ऑप्शन है, यहाँ पे जैसे इसको 2 रखेंगे तो 1.22 पावर 2 हो जाएगा, जो कि 141.44 आएगा, है ना। 1.412 का स्क्वायर क्या हो जाता है 144, तो पॉइंट है 2 डिजिट पे आएगा, तो 1.44 और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144। तो यहाँ से रिवर्स क्वेश्चन कर सकते हैं इसे, है ना, और सी ऑप्शन करेक्ट है। 54 क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टर क्रिएटिंग थर्मल नॉइज इज डबल्ड, द नॉइज पावर जनरेटेड विल बी हाफ क्वार्टरपल डबल्ड और अनचेंज। तो जो नॉइज पावर है जनरेटेड वो बैंडविड्थ और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, रेजिस्टर पे डिपेंड नहीं करती है। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, डी अनचेंज्ड। 55 क्वेश्चन है। वन बैग कंटेन 3 वाइट एंड 2 ब्लैक बॉल्स, वन अनदर कंटेन 5 वाइट बॉल एंड 3 ब्लैक बॉल्स। इफ वन बैग इज चूजन एट रैंडम, द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट, चांस ऑफ बींग वाइट इज। तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है और इसे करने का तरीका ये है कि प्रोबेबिलिटी चूजिंग फ्रॉम वन बैग, तो P1 लिख देती हूँ, ठीक है, कि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग वन बैग फ्रॉम 2 बैग, है ना। तो प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं बैग के चूज होने की, कितनी हो जाएगी 1/2, 2 बैग में से एक बैग चूज करना है। फिर प्रोबेबिलिटी चूजिंग व्हाइट बॉल फ्रॉम फर्स्ट बॉल, तो व्हाइट बॉल चूज कर रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट बॉल फर्स्ट बैग से, तो व्हाइट बॉल चूज फ्रॉम फर्स्ट बैग, तो क्या है 3 व्हाइट बॉल है 2 ब्लैक बॉल है, तो हो जाएगा 3/5। फिर सेम प्रोबेबिलिटी चूजिंग व्हाइट बॉल फ्रॉम सेकेंड बैग, कितनी बॉल है वहां पे 5 + 3 8 बॉल्स हैं और कितनी व्हाइट बॉल्स हैं 5, तो 5/8। तो टोटल रिक्वायर प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हम व्हाइट बॉल की चूज कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग्स, कौन सा बैग उठा रहे हैं, तो 3/5 + 5/8। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 एलसीएम लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 5 8 40, यहाँ पे 8 3 24, 5 5 25, और ये हो जाएगा टोटल 49, 49/80। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर्मूला इन लेजेंडरी पॉलीमर। तो यहाँ पे 4 इक्वेशंस दिए हैं, देखिए वैसे तो सारी याद होंगी तभी आप उसमें बता सकते हैं, बट अगर हम लास्ट वाली इक्वेशन को ध्यान से देखें तो ये रोजरी फॉर्मूला जैसा लग रहा है देखने में। और लेजेंड्री में रोजर फॉर्मूला होता है Pn^x = 1/2 n एंड फैक्टोरियल P^n/dxn x²-1^n। यहाँ पे x की जगह म्यू ले रखा है, देखने में ऐसा लग रहा है, बट यहाँ पे इसको ध्यान से देखिए और ये पावर ध्यान से देखिए, यहाँ पे x की पावर नहीं है, तो इनकरेक्ट रॉन्ग फॉर्मूला पूछा है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है इसका, तो डी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इफ अ वेक्टर फील्ड बी इज अ सोलेनोइडल विच इज ट्रू, तो सोलेनोइडल फील्ड का मतलब ये है कि नेट जो फ्लक्स है वो जीरो है, ठीक है, ना तो गेन हो रहा है ना लॉस हो रहा है, तो डाइवर्जेंस उस फील्ड का जीरो होगा। तो डाइवर्जेंस यहाँ पे किससे पता लगेगा कि जीरो है, तो बी क्वेश्चन देखिए, ये जो है इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस इक्वल टू जीरो, या इसको हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो, डाइवर्जेंस बी इक्वल टू जीरो, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ से ही हम डाइवर्जेंस फील्ड का जीरो दिखा सकते हैं इस इक्वेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर विद द इनिशियल कंडीशन एक्स 0 = 1 विद ब्लो अप एस टी टेंस टू, तो पहले इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी टी लिख सकते हैं, यहाँ से इंटीग्रेशन किया डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन डी टी, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो -1/x इक्वल टू टी प्लस सी आएगा। अब हम क्या कंडीशन हमें दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, एक्स टी इक्वल टू 1 यानी कि टी इक्वल टू 0 पे एक्स 1 है, तो जब ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से सी इक्वल टू -1 आ जाएगा, सी की वैल्यू -1 आ गई, तो आपने एक्स इक्वल टू यहाँ पे पुट कर दिया -1/x इक्वल टू टी -1, और यहाँ से इसको रिवर्स करेंगे तो -1/t-1 इक्वल टू एक्स, और ये माइनस अंदर ले गए तो एक्स इक्वल टू 1/1-t, ये इक्वेशन बनी। अब ये कह रहा है ब्लो अप, ब्लो अप का मतलब हो गया कि एक्स टेंस टू इनफाइनाइट हो रहा है, एक्स टेंस टू इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि टी की वैल्यू 1, ये 0 आएगा तभी टी एक्स टेंस टू इनफाइनाइट होगा, तो 1/0 कब होगा, है ना, तो यहाँ से टी 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 59 क्वेश्चन, द परमिटिव एनर्जी इन ईवी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ बॉक्स ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम, तो विड्थ दे रखी है, तो बॉक्स पार्टिकल इन बॉक्स में जो एनर्जी होती है एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 ml² से ये सॉल्व होना है, एन यहाँ पे 1 रखेंगे या एन की वैल्यू एन ही रखेंगे क्योंकि यहाँ पे एन की टर्म्स में सोल्यूशन है, एच की वैल्यू रख देंगे 6.6 × 10⁻³, 8 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है 9.1 × 10⁻³, L1 एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻¹⁰ m, वैल्यूज पुट करिए इसको सॉल्व करिए, En जो है 38 n² आएगा, यहाँ से ये जूल में आएगा, इसको ईवी में चेंज कर लीजिएगा, तो ए ऑप्शन करेक्ट है 38 n²। और आज का इसमें लास्ट क्वेश्चन है, द वेक्टर पोटेंशियल इन अ रीजन इज गिवन बाय, ए गिवन है पोटेंशियल जो है वेक्टर पोटेंशियल -yi+2xj और मैग्नेटिक इंडक्शन पूछा है, अगर आपको ये एक्सप्रेशन याद हो बी और ए में रिलेशन होता है बी इक्वल टू कर्ल ए, तो आप इसका कर्ल कैलकुलेट कर लेंगे आई जे के डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जेड, और यहाँ पे आई में दे रखा है -y, जे में दे रखा है 2x और के में 0, ठीक है। फिर इसको खोलेंगे तो देखिए जब आई के साथ करेंगे तो 0 आएगा, ये दोनों करेंगे, देखिए पॉइंटर दिखा देती हूँ, जब आई वाला टर्म खोलेंगे तो ये मल्टीप्लाई ये 0 है, फिर जे वाला करेंगे तो ये मल्टीप्लाई दिस, ये मल्टीप्लाई डेल ओवर डेल जेड इक्वल मल्टीप्लाई -y, ये भी 0 देगा, सिर्फ के साथ टर्म आएगी तो डेल ओवर डेल एक्स 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे 2 आ जाएगा, माइनस डेल ओवर डेल वाई -y, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जब इनका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 के साथ, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ये वीडियो कैसी लगी, और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट एग्जाम से पहले हम मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस पेपर्स यहाँ पे सॉल्यूशन डिस्कस कर सके। बेस्ट ऑफ लक।